प्रणाम। अपने लोक स्मार्ट न्यूज चैनल के अपने स्टूडियो से अप टू डेट इलेक्शन न्यूज। आज का सबसे पहले पहली खबर, नहीं जाएगी 50 से ऊपर वाले किसी भी कर्मी की नौकरी। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि अक्टूबर 2020 की जारी तुगलक फरमान को वापस लिया जाएगा, घूसखोरी बिल्कुल बंद होगी, राजद का ऐलान। कांग्रेस पार्टी तथा एलजेपी के विजन डॉक्यूमेंट्स 2020 यानी 20 का घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बहुत बड़ी बात एक तो कही कि शराबबंदी कानून पर ये रिव्यू करेंगे और तथा रामविलास पासवान का भी सपना पूरा करेंगे, ऐसे कहना है चिराग पासवान का। विधान परिषद चुनाव आज 8 सीटों पर मतदान आपको जारी, सभी तरह के आपको लॉ ऑर्डर पर व्यवस्था आपको बिल्कुल कंप्लीट। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और सबसे बड़े डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और शहनवाज हुसैन आपको हो गए कोरोना वायरस से यानी कंफर्म संक्रमित, तीनों बड़े नेता भाजपा के होम क्वारंटाइन। सारण छपरा के डीएम सह निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा लापरवाही अनुपस्थिति पर उन्होंने 26 गश्ती दल और माइक्रो ऑब्जर्वर पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया और साथ साथ में दरियापुर के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार महेश राय के विरुद्ध आदर्श चुनाव संहिता के तहत FIR दर्ज हुआ। मधुबनी VIP पार्टी के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ के विरुद्ध भी आदर्श चुनाव संहिता के तहत FIR दर्ज किया गया। पप्पू यादव बिहार को 3 साल में ये एशिया का सबसे बड़ा आपके खूबसूरत राज्य बनाने का संकल्प लिया। इस तरह से पप्पू यादव का भाषण जो दे रहे हैं, अगर इसमें सच्चाई होगी तो निश्चित तौर पर बिहार चमक उठेगा, लोगों की प्रतीक्षा है 10 नवंबर के बाद। छपरा नगर निगम के मेयर पद पर वार्ड नंबर 23 के पार्षद सुनीता देवी ने अपनी जीत दर्ज की, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी प्रिया सिंह को हराने में सफल रही। बिहार के दो भावी मुख्यमंत्री पुष्पम प्रिया जो प्लस पार्टी की जो प्रमुख हैं और इधर उपेंद्र कुशवाहा, दोनों नेताओं के द्वारा अपने सब जगह भाषण के लान में कि निश्चित अगर इन लोगों की सरकार आएगी तो सभी सरकारी स्कूलों में ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे और सभी नेताओं के बच्चे को पढ़ना उनको सुनिश्चित करेंगे। इस आपको खबर से लोगों में एक अच्छा नोटिस भी जा रहा है। CM नीतीश कुमार और रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री दोनों का एक साथ आज 5 चुनावी सभा करेंगे। पहली सभा आपके दरौंदा में होगी। गोपालगंज में कोर्ट जा रहे अधिवक्ता एक नवीन कुमार निवासी जो जमसड़ी थाना उचक्का गांव के जब जा रहे थे कोर्ट की तरफ, अचानक दो अपराधकर्मियों ने आकर के उन्हें गोली से भूंज दिया, उनकी हालत चिंताजनक, उन्हें गोरखपुर आपको रेफर किया गया। सबसे दोस्तों सबसे बड़ी रिपोर्ट आपको आज का सबसे ताज़ा इलेक्शन का न्यूज, अगर केवल 10 लाख नौकरी रोजगार समान वेतन पर घोटालों की जांच पर ये सबसे प्रमुख जो जहां तेजस्वी यादव के मुंह से ये भाषण निकल रहा, लोगों में आकर्षित, लोगों में उथल पुथल, अहिचका काट करने के लिए भाजपा की या सभी NDA के घटक दल सब तेजस्वी यादव के परिवारवाद पर जंगल रात 15 साल पुराने बातों को कह करके अपना ये लोग चारों तरफ प्रचार में लगे हैं। उधर VIP JDU सबसे बड़ी अहम खबर के चिराग पासवान लगातार CM नीतीश कुमार पर प्रहार जारी कि पहले हिसाब दे, 5 साल का कोई इन्होंने काम नहीं किया। दोस्तों इसके साथ फिर अपडेट समाचार के साथ फिर हम कल मिलेंगे। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम।